नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुफिया रिपोर्ट में किया दावा, ट्रंप की जीत के पीछे हो सकता है रूस का हाथ। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने क्रेमलिन और विकिलीक्स के बीच पाया कनेक्शन, बराक ओबामा ने दिए मामले की जाँच के आदेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत दौरा स्थगित, यात्रा स्थगित होने के कारणों का खुलासा नहीं। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार नोटबंदी हो सकती है वजह। सोलोमन द्वीप समूह पर फिर महसूस किए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 6.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्वेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास, अब देश की संवैधानिक अदालत करेगी ग्वेन की किस्मत का फैसला, निर्णय आने तक प्रधानमंत्री वांग क्यू आन संभालेंगे सत्ता की कमान। अमेरिका ने पाकिस्तान को 40 करोड़ डॉलर की मदद पर रखी शर्त, कहा पाकिस्तान प्रमाणित करे कि वो हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ उठा रहा है ठोस कदम। और नाइजीरिया में आत्मघाती विस्फोट में मरने वालों की संख्या हुई 45, जबकि 33 लोग हैं जख्मी। दो महिला आत्मघाती हमलावरों ने शुक्रवार को किया था विस्फोट, अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।